राधे राधे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अन्नपूर्णा किचन टिप्स में आप लोगों का स्वागत है। आइए आज की रेसिपी फटाफट शुरू करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ये बहुत ही अच्छा रेसिपी बनने जा रहा है। ये देखिए, भिंडी कट करके रखे हैं, और ये है टमाटर है, प्याज है, और हरी मिर्च है। टमाटर है, ये देखिए, ये प्याज है कट करके रखे हैं, लहसुन छील के रखे हैं, अदरक है, हरी मिर्च है। नॉर्मल तरीके के भुजिया और सब्जी तो बहुत खाए होंगे दोस्तों, पर इस तरह की दो प्याज या भिंडी एक बार बना के खाएंगे तो पनीर मशरूम सब भूल जाएंगे, बहुत ही अमीर लगता है। जो भी भिंडी नहीं पसंद करते होंगे, आप इस तरीके से बनाइएगा तो सब लोग खाएंगे, यकीन मानिए सभी लोग बहुत ही पसंद करेंगे। हमारे यहाँ तो सभी लोग बहुत पसंद करते हैं, पनीर छोड़ के इस तरह की भिंडी वाली दो प्याजा सब्जी खाते हैं। देखिए, प्याज लिए हैं और लहसुन और हरी मिर्च, हरी मिर्च या लाल मिर्च कोई भी ले लीजिए, और थोड़ा गरम मसाला, इसको पीस लेंगे, पेस्ट बना लेंगे। और जो टमाटर कट करके रखे थे उसको भी पेस्ट बना लेंगे, और इसमें किसी चीज़ का तड़का नहीं देना है। इसको तेल में अच्छे तरह से फ्राई करना है भिंडी को। देखिए, इतना बड़ा बड़ा कट करके, छोटा नहीं कट करना है, नहीं तो गल जाएगा। इतने बड़े बड़े पीस कट करके और इसको फ्राई करना है 5 मिनट तक। इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। ये देखिए, फ्राई हो चुका है, ब्राउन हो गया है, देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए, इस तरह से फ्राई करना है। ये फ्राई हो चुका है मेरा भिंडी। अब इसमें प्याज और गरम मसाला वाला जो पेस्ट है, इसको 3 मिनट तक अच्छी तरह से भूनेंगे हम। इसमें डालेंगे गरम मसाला, थाई सब्जी मसाला डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे, इसमें पॉकेट वाला थोड़ा सा सब्जी मसाला डाल दी हूँ, और धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर, और इसको 5 मिनट तक भूनेंगे ताकि अच्छे से पक जाए प्याज और गरम मसाला का कच्चापन न आए। तब तक भूने जब तक तेल न छोड़ने लगे। जब मसाला भून जाता है तो कढ़ाई में खुद ही दिखता है तेल छोड़ने लगता है। ये देखिए, इसमें से तेल छोड़ रहा है बीच में, पर अभी 2 मिनट तक और भूनूंगी इसको। इसमें अब टमाटर का पेस्ट डाल दूंगी। ये देखिए, टमाटर का पेस्ट बना के डाली हूँ, कट करके ना डालें, पेस्ट बना के डालेंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। एक बार इस तरीके से बनाइएगा तो यकीन मानिए कि सभी लोग पनीर भूल जाएंगे इसके आगे। मुझे भी नहीं पता था कि इतना टेस्टी लगता है, पर मैंने एक दिन बनाई, सारे लोग बहुत ही पसंद करते हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए भी मैं शेयर कर दूं। अब इसको ढक के पकाएंगे, बहुत ज़्यादा इसमें पानी नहीं डालना है, मसाला पकने भर सिर्फ डालना है, क्योंकि भिंडी अच्छे से पक गया है, सिर्फ मसाला पकाना है। देखिए कितना अच्छा है, बहुत पतला ग्रेवी ना बनाएं, इस तरह से गाढ़ा गाढ़ा बनाएं तो अच्छा लगता है दोस्तों। देखिए, मेरा भिंडी का सब्जी बनकर तैयार हो गया है दोस्तों। एक बार आप भी बनाइएगा और खाइएगा, खिलाइएगा, और कमेंट में बताइएगा कि ये रेसिपी कैसा लगा। अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। अब आगे के वीडियो में मैं मिल